दोस्तों कैसे हो आप लोग। हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। गाइज अगर आप इसी तरीके की न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो की ओर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में बात। सोचने की जरूरत है। अगर आपने वैक्सीन का नाम लिया तो उसपे हम अगर जाएं तो अभी रिसेंटली जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी वैक्सीन लगवाई ली फाइनली। उनके ऊपर बहुत बातें हो रही थी कि ये खुद वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे। तो साथ ही ये भी सुनने में आया कि इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी वैक्सीन नहीं लगाना चाह रहे, उनको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। तो आपको लगता है कि जब नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन लगवा ली तो फिर कुछ लोग कॉन्फिडेंट होंगे और ये चीज जो है आपको कुछ सॉल्व होती हुई नजर आ रही है, ये प्रॉब्लम के लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे? नहीं देखिए, आरजू इंडिया में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है वैक्सीन को लेके। हम लोग बहुत ही यू नो साइंस पसंद लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग नहीं समझते कि किसी कोई हमें वैक्सीन लगा देगा तो हमारी आगे की जो नस्लें हैं वो नपुंसक हो जाएंगी। वी आर वेरी वेरी फेवर टूवर्ड्स any kind of you know advancement in technology. और इंडिया में जो वैक्सीन को लेके अदरवाइज भी जो रिस्पॉन्स था वो अच्छा ही था, बट ऑफकोर्स देर इज अ सेक्शन ऑफ मर्सिनरी जर्नलिस्ट्स हु आर ऑन द पे रोल्स ऑफ टर्की, हु आर ऑन द पे रोल्स ऑफ चाइना, पाकिस्तान भी मैं बोलना चाहती थी, बट आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप क्या देंगे, तो इसलिए मैंने टर्की और चाइना ही बोल दिया क्योंकि आप देंगे भी तो उन्हीं के थ्रू देंगे। तो ऐसे कुछ लोग हैं फॉर श्योर जो भ्रम फैला रहे थे कि इंडिया की जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी, उसकी इफेक्टिवनेस पे सवाल उठा रहे थे। आई थिंक उनके मुंह पे आज बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है, बिकॉज आवर लीडर हैज लेड बाय एग्जांपल। द प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द अर्ली मॉर्निंग। सबसे पहले तो उन्होंने एक चीज साबित कर दी कि वो इंडीड वीआईपी कल्चर पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि किसी तरह की पब्लिक इनकन्वीनियंस उन्होंने कॉज नहीं की। बहुत जल्दी वो अर्ली मॉर्निंग हॉस्पिटल गए और बिना किसी डिक्लेरेशन के, बिना किसी फैनफेयर के, और ही इज टेकन हिज फर्स्ट शॉट। आई थिंक दैट शुड बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस ऑल्सो, जिनके दिमाग में थोड़ी बहुत रिजर्वेशंस होंगी। इन जनरल तो ऐसी कोई हवा यहाँ नहीं है, बट हाँ ऑफकोर्स हमेशा कुछ तो होते ही हैं लोग जो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको ब्रेन वॉश करना आसान होता है। आई एम श्योर वैसे लोग पाकिस्तान में भी हैं, यहाँ भी है, यहाँ का तादाद थोड़ी कम है, बट हैं ऐसे लोग। तो आई थिंक दिस शुड सेटल अ लॉट ऑफ रिजर्वेशंस ऑन द एफिकेसी ऑफ इंडिया मेड वैक्सीन्स। इनफैक्ट इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा चलाया गया चाइना की तरफ से भी इंडियन वैक्सीन्स को लेके, बट आप देखें कि एंड ऑफ द डे 60 प्लस कंट्रीज को इंडिया ने वैक्सीन दी ना। चाइना तो आज तक WHO के अप्रूवल का वेट कर रहा है। इनफैक्ट चाइना को तो डिप्लोमेटिक इंडिया की डिप्लोमेटिक जो सक्सेस जो इंडिया को मिली है बिकॉज ऑफ द वैक्सीन मैत्री, उससे तो चाइना बहुत बुरा फील कर रहा है। तो अगर वर्ल्ड स्टेज पे हमारी वैक्सीन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, WHO हमें प्रेस कर रही है, तो अंदरूनी लोगों मतलब हमारे यहाँ पे लोग इसके खिलाफ बोले या वैक्सीन को ना लेना पसंद करें, दिस इज अ वेरी माइनर इशू। लार्जली पीपल आर टेकिंग देयर जैब्स और ऑफ कोर्स ये बारी बारी हो रहा है बिकॉज एज ग्रुप्स जो हैं उनके हिसाब से वैक्सीन दी जा रही है। इनफैक्ट आज मैं चेक कर रही थी तो इट्स ऑल डिजिटाइज्ड। इनफैक्ट आपको आरोग्य सेतु ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस पे जाके आपको रजिस्टर करना होता है। तो मैं भी आज चेक कर रही थी, बट उसमें आ रहा था कि अभी जो 45 प्लस का जो एज ग्रुप है जो ज्यादा वल्नरेबल है अभी उनका चल रहा है। तो आई विल ऑल्सो गेट इट डन वेरी सून। आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड लीड बाय एग्जाम्पल और कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादातर लोगों को फायदा हो और अंधविश्वास से लोग बाहर निकलें, क्योंकि जब तक किसी चीज का साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये चीज इफेक्टिव है या नहीं है तो सिर्फ सुने सुनाए पे नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक, और वो तो बिल्कुल टाइम के बाद ही पता लगेगा कि कितना इफेक्टिव है और कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, वो तो कुछ टाइम के बाद ही मालूम होगा। अगर हम आगे बढ़े सोनम, और अभी रिसेंटली जिस टॉपिक पे मैं जाना चाह रही हूँ उससे पहले मैं ये बता दूं कि हम वुमेन जो है उसकी पावर, वुमेन पावर और इस पे हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन
यहाँ पे एक पाकिस्तान में 2-3 दिन में एक औरत मार्च के नाम से एक रैली निकला करती है कुछ सालों से, और उसमें लोग बहुत सारे अजीब अजीब से पोस्टर्स और स्लोगन लेके खड़े होते हैं, अपनी चाय खुद बनाओ, अपना खाना खुद पकाओ, पता नहीं क्या कुछ लिखा होता है। तो मैं खैर उस चीज को इतना फेवर इसलिए नहीं करती कि आई फील कि जो जेंट्स होते हैं हमारी जिंदगी में, जो मर्द हैं, चाहे वो हमारी फैमिली हो, हमारे फ्रेंड्स हो, दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। और मैं तो स्पेशली कहूंगी कि वॉट एवर आई एम टूडे इज जस्ट बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ मैन इन माई लाइफ, कि जो चाहे वो मेरी फैमिली के हैं या मेरे दोस्त हैं, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर जगह। मुझे कभी ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिली पर्सनली जिसपे मैं इस तरह की मार्च वगैरह का हिस्सा बनूं, बल्कि मुझे हमेशा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया है। इवन अब तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि बहुत से मेरे इंडियन फ्रेंड्स भी हैं, मेल फ्रेंड्स, जो कि बहुत सपोर्टिव है और बहुत जिनसे सीखने को भी मिलता है। तो गाइज ये वीडियो होता है ख़त्म। आपको बता दें पाकिस्तान मीडिया की जो रिपोर्टर है आरजू काजमी, उन्होंने डिस्कस किया पीएम मोदी ने जो आज वैक्सीन ली है उसके बाद से। आपको पता है कि दोस्तों जब भारत में वैक्सीन मतलब बनी थी, मतलब भारत में जो दो वैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन बनी थी, उसके बाद से ही विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाए थे कि पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ये वैक्सीन लेते क्यों नहीं, फिर दूसरी जनता को देंगे। आपने देखा होगा विपक्ष के नेता जो है राहुल गांधी या बहुत सारे लोग, इतने सारे पत्रकार जो विपक्ष मतलब विपक्ष की तरफ से ज़्यादा बोलते हैं। आपको पता है इंडिया में दो तरीके के पत्रकार होते हैं, या तो वो इस तरफ वाला है या तो उस तरफ वाला है। इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि कोई न्यूट्रल है। न्यूट्रल पत्रकार शायद आपको इंडिया में ना मिले। तो उनमें से आपने देखा होगा काफ़ी लोग टॉन्ट कस रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये वैक्सीन क्यों नहीं लेते। आज फाइनली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है, भारत बायोटेक की वैक्सीन का उन्होंने पहला जो डोज है कोवैक्स का ले लिया है। अब शायद वो दूसरा डोज जल्द ही ले लेंगे, तो अब शायद लोगों को विश्वास जगेगा कि ये वैक्सीन बहुत सुरक्षित है। आपको भी पता है कि भारत में वैक्सीन लगवाने के लिए लोग कोई ज़्यादा उत्तेजित नहीं थे। आपको भी पता है कि पहला डोज लगवाने के बाद उसमें से 30% लोग ही पहुंच रहे थे दूसरा डोज लगवाने के लिए, जिसके बाद से आपने देखा पाकिस्तान मीडिया में ये खबर डिस्कस हुई। और आपको ये भी बता दूं कि भारत में कोरोना अभी दो स्टेट महाराष्ट्र और केरल में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, बाकी स्टेट में तो काफ़ी कम हो गया कोरोना। और कोरोना से रिलेटेड एक न्यूज़ बता दूं, पाकिस्तान सुपर लीग है उसका आज एक मैच पोस्टपोन हो गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मतलब है तो वो यूएई से लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश भी खेलते हैं, फवाद नाम है उनका, फवाद अहमद नाम है उनका, उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों ये कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये पाकिस्तान की सुपर लीग का एक मैच पोस्टपोन करा दिया है इसने। अब पता नहीं शायद और भी मैच पोस्टपोन हो अगर और भी लोग पॉजिटिव आते हैं तो शायद ये वैक्सीनाइजेशन जितनी जल्दी हो सके इंडिया में उतना अच्छा रहेगा और हम खुलकर जी सकेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।